दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी क्लास 4 ज्वाइनिंग प्रोसीजर को लेके और जेकेएसएसबी क्लास 4 सेकंड लिस्ट को लेके भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ में हम बात करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी क्लास 4 की पीडब्ल्यूडी लिस्ट को भी लेके आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो का आधा पार्ट भी स्किप ना करें दोस्तों, फुल इन्फॉर्मेशन आप लेके जाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक बात है जेकेएसएसबी क्लास 4 के ज्वाइनिंग प्रोसीजर को लेके, ज्वाइनिंग प्रोसीजर से लेके मैं आपसे सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को मुबारकबाद देना चाहूंगा, मैं उन कैंडिडेट्स को विश गुड लक कहना चाहूंगा जिनकी अब नई जर्नी, नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। वो कैंडिडेट्स उन लकीएस्ट कैंडिडेट्स में हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि 3,28,000 कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया था क्लास 4 का, 3,28,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, इनमें से जेकेएसएसबी ने 9,500 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और उन 9,500 जो कैंडिडेट्स थे उनमें से और बच्चों को फिल्टर आउट किया, शॉर्टलिस्ट किया और 4,500 समथिंग, मान लीजिए 4,500 कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल शॉर्टलिस्ट में सिलेक्ट किए गए। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप 4,000 कैंडिडेट्स में हैं जो फाइनल लिस्ट में आए। अब अगर आपका नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है तो अब आपको क्या करना है, वो प्रोसीजर, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनाने हैं, वो मैं आपको पूरा ए टू जेड गाइड करूंगा। अगर आपका अभी यानी कि अगर आपका ऑर्डर आ गया है तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं, अगर आपका अभी ऑर्डर नहीं आया है तो भी डेफिनेटली आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है बनाने हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे पास हमारा जो स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी है, स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सारे बहुत सारे ऐसे ये डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों जिन डिपार्टमेंट्स ने ऑर्डर निकाला है बच्चों का क्लास 4th का। जेकेएसएसबी ने फाइनल जो 4,500 कैंडिडेट्स की लिस्ट थी वो फॉरवर्ड कर दी जीएडी को। जीएडी ने क्या किया, जीएडी ने फिर फर्दर उन कैंडिडेट्स की लिस्ट को फॉरवर्ड किया उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को। मान लीजिए कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आया है तो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भेज दी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। मान लीजिए 300 या 400 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है तो उन 300-400 कैंडिडेट्स की लिस्ट भेज दी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जीएडी ने। ऐसे ऐसे करके जीएडी ने हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग लिस्ट भेजी है कैंडिडेट्स की। अब कोई डिपार्टमेंट जो है वो टाइम लगा रहा है ऑर्डर निकालने में और कोई डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही जल्दी रिक्रूट कर रहा है, बहुत ही जल्दी ऑर्डर निकाल रहा है। अब अगर अभी भी आपका ऑर्डर नहीं आया है तो आप निश्चिंत रहें। निश्चिंत रहने के साथ साथ में आपने क्या करना है, आपने वेट करना है अपने ऑर्डर का, लेकिन वेट करने के साथ साथ आपने क्या कम करना है कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, आपने एक एनओसी बनाना है अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होगा, वहां पे जाके आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से एनओसी बनानी है, ठीक है, एनओसी बनानी है। वहां पे क्या करना है, आपने अपने आधार कार्ड की कॉपी लेनी है और आपने एप्लीकेशन लेनी है, वहां पे एप्लीकेशन देनी है और आपको आपका एनओसी 5 मिनट में इशू हो जाएगा, ठीक है। और वो एनओसी कहाँ से मिलेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको एनओसी कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे, वो आपके जो कंसर्न आपके हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे वहां पे फोटो कॉपी वाले होंगे, फोटो स्टेट वाले होंगे, डेफिनेटली उनके पास फॉर्मेट पड़ा रहता है और वहां पे आपको मिल जाएगा। जब आपका मान लीजिए आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है तो आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के नजदीक कोई जो भी फोटो कॉपी वाला होगा उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स पड़े रहे होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन के साथ में आधार कार्ड की कॉपी लगाई, आधार कार्ड वो सबमिट करने के बाद आपका एनओसी इशू हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से। सेम आपने करना है एनओसी इंडस्ट्रीज में, एनओसी इंडस्ट्रीज में भी आपने ऐसा करना है। अगर आपके फोटो कॉपी वाला ऐसा है जिसके पास बनी बनाई एप्लीकेशन है और उसके साथ में फॉर्म लगा है वो एनओसी का, तो वेल एंड गुड। तो अगर वो एप्लीकेशन बनी हुई नहीं है उनके पास तो आप उसके साथ फॉर्म जो है आपको एनओसी का उसके साथ आप लगा सकते हैं एप्लीकेशन, तो वही प्रोसीजर है आपके एनओसी इंडस्ट्रीज के। ये दो डॉक्यूमेंट बन गए आपके। फिर उसके बाद जो फिटनेस है वो आपकी चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट वहां से बन जाएगा, ठीक है।
तो कंसर्न जो भी आपका सीएमओ हेड ऑफिस है, सीएमओ से आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपने कैजुअलिटी में जाना है, आपकी जो इमरजेंसी होगी वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होगा वहाँ पे पर्ची कटा के आपने गवर्नमेंट की पर्ची कटानी है, तो गवर्नमेंट की पर्ची कटाने के बाद आपने अपना चेकअप कराना है। जो भी प्रोसीजर होगा डेफिनेटली आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि अब आप आई चेकअप करें, ये चेकअप करें, तो थोड़ा सा आई थिंक आधे घंटे का काम है और डेफिनेटली आपका फिटनेस सर्टिफिकेट भी जो है वो बन जाएगा वहीं से। उसके बाद है आपके एफिडेविट। तो एफिडेविट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका एफिडेविट है दोस्तों। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स एक गलती कर रहे हैं, एफिडेविट ले जा रहे हैं, कौन सा, वो जो कैंडिडेट्स ने दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे दूसरा आपको एफिडेविट देना है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस एफिडेविट की है दोस्तों, उस एफिडेविट की है जो आपका ज्वाइनिंग के लिए है। तो ज्वाइनिंग में आपका एफिडेविट कौन सा चाहे, आपका आपका जो भी ऑर्डर है मैं आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट में आप क्लियरली आप जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि इसमें यह लिखा हुआ है कि आपका कोई भी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है आप पे। तो ये आपने एफिडेविट देना है, ये आपने अंडरटेकिंग देनी है कि मेरे पे कोई भी कोर्ट केस नहीं है, मेरे पे कोई भी जो है वो अभी तक केस नहीं चल रहा है, ना कोई पीछे से मेरे ऊपर केस कोई चलता आ रहा है। तो ये पॉइंट आपने बहुत ही जरूरी मेंशन करना है उस पे, ठीक है। तो वो मेंशन करने के बाद आपका जो है वो एफिडेविट, और वो होना चाहे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, तो वो होना चाहे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का वो एफिडेविट होना ही होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो अदरवाइज वो आपका सिलेक्ट नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट वो आपका रिजेक्ट करेंगे, फिर आपको दोबारा से वो प्रोसीजर करना पड़ेगा और आपका एफिडेविट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट्स कौन कौन से चाहिए आपको, सर्टिफिकेट जो आपके 10th और 12th के डिप्लोमा है, 10th का जो डिप्लोमा है और 12th का जो डिप्लोमा है, वो दो चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए आपका, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले आपका डिप्लोमा 10th, डिप्लोमा 12th, मार्कशीट नहीं चाहिए वहां पे। उसके बाद आपको डोमिसाइल ओरिजिनल, और डोमिसाइल की फोटोकॉपी, डिप्लोमा 10th की फोटोकॉपी, डिप्लोमा 12th की फोटोकॉपी, ठीक है। और ये सारे यहां से, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपको चाहिए और इसके साथ, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको ओरिजिनल वहां पे देना है, ये भी ओरिजिनल देना है, ये भी ओरिजिनल देना है। उसके बाद एफिडेविट, तो ऑब्वियसली वो भी ओरिजिनल ही देना है। तो सर्टिफिकेट्स जो आपको डिप्लोमा 10th का, ये भी आपको ओरिजिनल जमा कराना है, 12th का डिप्लोमा, ये भी आपको ओरिजिनल जमा कराना है, और इसके साथ में आपने इनकी एक सेट जो है वो फोटोकॉपी का, फोटोस्टेट का जमा कराना है, ठीक है। और डोमिसाइल भी जो है वो आपने ओरिजिनल जमा करना है और इसका फोटोकॉपी भी जमा करना है इसके साथ में, ठीक है। ये है आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। और इसके साथ में दोस्तों क्या करना है आपने, इसके साथ में आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, ये लिखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो। मान लीजिए आपका हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में हुआ है, तो आपका जो है वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के लिए आपने जो है वो आपने ज्वाइनिंग करनी है, तो आपने टू एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, टू द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज वगैरह जो भी है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑर्डर नंबर दिस एंड, वो सारा वहां पे आपको बता देंगे कि एप्लीकेशन में क्या क्या मेंशन करना है, तो ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपने उसके नाम पे लिखनी है जहां पे भी आप ज्वाइन करने वाले हो, या अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना, आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सीईओ है, चीफ एजुकेशनल ऑफिसर है, उसके नाम पे लिखना है, ठीक है। या अगर आपका सीएमओ है तो सीएमओ के नाम पे लिख सकते हैं, टू द सीएमओ कंसर्न जो भी है आपका, या एग्रीकल्चरल ऑफिसर, या है आपका जो भी डिपार्टमेंट है आपका, जो भी या आपका कोई इंजीनियर, चीफ इंजीनियर है, टू द चीफ इंजीनियर जम्मू डिविजनल, तो ऐसे करके आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन भी जो है आपको डेफिनेटली लिखनी है, ठीक है। तो ये है आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने ही देने हैं, इनका आपको ओरिजिनल देना है और आपको इसकी जो है वो फोटो कॉपीज भी साथ में रखनी है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखने हैं, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपने साथ में ले जाने हैं वहाँ पे। तो ऐसा ना हो दोस्तों कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होंगे नहीं, तो आप जो है वो पीछे रह जाएंगे,
आपका जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पहले से ही करके रखें। अगर आपका ऑर्डर नहीं आया है तो आप, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े लकी पर्सन हैं, खुशकिस्मत हैं आप, कि अगर आपका ऑर्डर नहीं आया है तो आपको मौका मिला है ये डॉक्यूमेंट बनाने का, ठीक है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत परेशानी आ रही है डॉक्यूमेंट बनाने में, उनको बहुत टाइम लग रहा है, तो आप जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं। तो यही है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। बाकी अगर आपको इस लेके, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, इन सारे इन प्रॉब्लम्स को लेके कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी जरूरत होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या सोशल मीडिया पे भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जेके एसएसबी पीडब्ल्यूडी लिस्ट की। देखिए जेके एसएसबी ने पीडब्ल्यूडी लिस्ट को लेके 4-5 दिन पहले ऑर्डर निकाला था, एक प्रेस रिलीज निकाली थी, उसमें जेके एसएसबी ने कहा था कि पीडब्ल्यूडी लिस्ट के पीछे हैं, अभी हम प्रोसेस में है वो अभी। तो जेके एसएसबी की पीडब्ल्यूडी लिस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इट इज़ कमिंग वेरी सून, आप निश्चिंत रहें, आप इंतज़ार करें, पीडब्ल्यूडी जेके एसएसबी क्लास 4th की लिस्ट भी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जेके एसएसबी क्लास 4th सेकंड लिस्ट की, तो ये क्लास 4 सेकंड लिस्ट को लेके दोस्तों कैंडिडेट्स के मन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वो ख्वाब लेके बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कब आएगी वो 3,500 कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनमें हमारा नाम भी जो है वो आ जाए। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों, मैं लास्ट वीक जेके एसएसबी के ऑफिस में खुद गया था दोस्तों, छन्नी हिम्मत, वहां पे मैंने सर से बात की थी, तो सर ने कहा था कि जेके एसएसबी क्लास 4 की जो सेकंड लिस्ट है वो 100% आएगी। भाई आपको पता है 8,575 पोस्ट है, तो उन्होंने पोस्टें फिल करनी है भाई, उनको जीएडी ने लिस्ट प्रोवाइड की है कि भाई इतनी वैकेंसीज हैं। तो अब जेके एसएसबी का काम क्या है कि कैंडिडेट्स को जॉब देना, सिलेक्ट करना, उनको वो वैकेंसीज फिल कराना। अब जब यहाँ से आपको पता है सिर्फ 5,500 पोस्ट है फिल कर दी है इन्होंने, तो जो रिमेनिंग है वो कहाँ जाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पॉइंट तो बनता है कि सेकंड लिस्ट आएगी, और डेफिनेटली आएगी दोस्तों। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आउट हो गए हैं लिस्ट से, मे बी आपका चांस बन सकता है, जो भी आपकी कैटेगरी है डेफिनेटली आपका चांस बन सकता है। और जो कट है, जो कट ऑफ आपको मैंने परसों डिस्कस किया था, वो कट ऑफ जो है वो फिर नीचे जाने के चांसेस है, और वो फिर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आप पुरसुकून रहें, आप निश्चिंत रहें, मुझे सर ने कहा था कि डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट, इस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये लिस्ट जो है वो आने वाली है, ठीक है। तो बाकी आप इंतज़ार करते रहिए दोस्तों, डेफिनेटली ये लिस्ट जो है वो आ जाएगी। और बाकी दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। तो अगर आपका कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।